हे नवलिंग जू, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो परदेस हैं उन्हें लबहल करें, जो घर हैं उन्हें लबहल करें। हे शिरो भगवान। यो दगड़ियो पैनलग दगड़ियो, सब ठीक है रहने वाला। और हेलो इंटरनेट, तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दगड़ियो में आए गए एक नई वीडियो के तगड़। आज मैं मतलब तैयार होके कहीं जा रहा हूँ और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे हैं और आपको मैं दिखाऊंगा आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। उड़ान के पार जा रहा हूँ, सनगाड़ मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूँ। और मंदिर के लिए गंगा जल लाने का अवसर मिला है मुझे आज, और उसके साथ ही हम आपको भी ले जाएंगे। फाइनली दगड़ियो आया सनगाड़ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर गाड़ियाँ हमारे यहाँ सारी साफ हो रही हैं, ज़्यादा लोग हैं सारे। और अभी आपको स्नान के टाइम पर मिलते हैं। अभी एक चाचा नहा के नहीं आए हैं, वो अभी स्नान करेंगे, तो उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल गाले पानी में, बहुत चिल्ड पानी है। टाइम हो रहा है 7:30 का टाइम हो रहा है अभी। और यहाँ पे अपनी गाड़ी वॉश कर रहे हैं अभी, जो कि अभी गाड़ी वॉश कर रहे हैं। फिर मंदिर की ओर चलेंगे सारी ओर। मंदिर थोड़ा सा दूर है, तभी गाड़ी में जाने का सोचा तभी। और ये गाड़ी की सफाई चल रही है, क्योंकि गाड़ी भी मंदिर जा रही है तो ऑफकोर्स गाड़ी भी धुलेगी। और वो चाचा अभी नहा के नहीं आए हैं, तो नहाएंगे वो। और ये बिल्कुल ठंडा पानी है, ठंड हो रही है, बिल्कुल पूरा ठंड पानी हूँ। मेलन नाल और जाने सब नए बहरान। अभी चाचा नाल फिर गाड़ी स्टार्ट करा, फिर सीधा सनगाड़ पूजन। और सनगाड़ में देखूँ मंदिर के दर्शन कराऊंगा मैं आपको, मंदिर दर्शन करूँ जितना हो सके। और यहीं पे दोस्तों चाचा का नहाना धोना हो रहा है और हम आगे को चलेंगे। नहा के धो के आए हैं सारे लोग, बट चाचा नहा के नहीं आए हैं, इसलिए चाचा नहा रहे हैं और शैम्पू से अच्छे से नहा रहे हैं। अब ये गए ठंडे पानी में। ओ, 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 ओ और ये देखो चाचा को नहाना तैरना आता नहीं है और ऐसा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। घबरा गए हैं, वो बोल रहे हैं अंदर मट्टी हो रही है गाड़ी, कहीं मैं डूब ना जाऊं इसी के डर से। तो हमने गाड़ी का रास्ता पूरा कर लिया, अब हमको नीचे जाना है, वो भी पैदल जाना है और बिना चप्पलों के। तो आपको मिलते हैं सीधे रास्ते पे। ये हम पहुंचे सनगाड़ की रोड, जहाँ पर बहुत पथरीला पत्थर ही पत्थर है, और पाँव में चुभते चुभते हम ऐसी कठिनाइयों के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। सो फाइनली सनगाड़ पहुंच चुके हैं हम, और ये हमारे साथ के भक्त लोग आगे पे पैदल पैदल चल रहे हैं बिना चप्पलों के। और वहाँ रहा मंदिर, और ये रहा सनगाड़ का स्कूल। और बिना चप्पलों के आगे बढ़ते हुए तो दगड़ियो आखिरकार हम नौलिंग मंदिर के मूल मंदिर के द्वार पे आ चुके हैं, और द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो हम अब पहुंच चुके हैं मंदिर पे, और ये हमारे कलस जो इसमें गंगा जल आएंगे और हम मंदिर पर ले जाएंगे। तो चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं और दिया बत्ती। तो दगड़ियो अब हम दिया बत्ती करते हैं और मंदिर के अंदर नौलिंग जू से हम कुछ मनोकामनाएं मांगते हैं। हे नौलिंग जू, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो परदेस हैं उन्हें लबहल करें, जो घर हैं उन्हें लबहल करें। हे शिरो भगवान। नौलिंग देवता की जय, नौलिंग देवता की जय। नौलिंग मंदिर जो सनगाड़ में स्थित है, बागेश्वर जिले में एक छोटे से गांव सनगाड़ में, आज हम नौलिंग मंदिर के दर्शन करने गए हैं। और ये दिव्य धुनि, देव धुनि नौलिंग देवता की है, और यहाँ तो देखो जिस तम देखा कहाँ दीवार में नाम लिखी हो, आप तम कौन लगे नाम लिखी हो,
मजेल मतलब सहयोग करा मंदिरा ऊपर जितने भी जदीले सहयोग करा और जदीले धनराशि सहयोग करा उनार नाम हो। और अगर आप जरूर जो मंदिर आला और यू नाम पढ़िया तो दगड़ियो देख सकते हैं आप कितना प्यारा कितना सुंदर दरबार दिख रहा है नौलिंग जी का। आप अगर इस नौमी में आए और मेले का आनंद लें, यहाँ मेला भी लगता है। तो दगड़ियो हमने मंदिर में पूजा कर ली, अच्छे से पूजा कर ली, अब हम जाएंगे पानी भरने और वहाँ से और पानी भरेंगे। आप देख सकते हैं फील्ड बहुत सही बने हैं, इसमें नौमी के दिन मेला लगता है, आप ज़रूर से ज़रूर आइए और इस मेले का आनंद लीजिए। और आप हम पहुँच चुके हैं जहाँ से पानी भरते हैं उसके द्वार पर, और ये देखिए यहाँ कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये मंदिर है भैरव जी का और ये पूजा कर रहे हैं हमारे चाचा लोग, और ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ दाल चढ़ती है, तेल चढ़ता है, और काली दाल चढ़ती है, काला कपड़ा चढ़ता है। देखा गया दगड़ियों कितना अच्छा नज़ारा, कितना कितना कदे भोल लागुना, कदी भोल यदि भोल लागुना ने आपकी कुनू यदि भोल लागुना भलो भोल लागुना दगड़ियों। तो दगड़ियों वो पानी भर के आ रहे हैं ऊपर, देख सकते हैं गंगा जल लेके आ रहे हैं। अब हम मंदिर के द्वार से घर जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं कितना खुरदुरा रास्ता और कितने नुकीले पत्थर हैं। और ये देख सकते हैं हमारे साथी जो आगे चल रहे हैं और आगे भी हैं, थोड़ा हम लेट हो गए। और ये मंदिर का नज़ारा वीडियो अब मी कहें अवसर मिला गंगा जल घर उठूँ और मी जानियो आगे चढ़ाई लग गए बहुत सांस फुल है, बट भगवान के नाम से आगे चढ़ेंगे। और नुकीले पत्थर भी हमारे लिए फूल बन जाते हैं जब हम भगवान का सहारा लेते हैं। और ये रहे हमारे आगे के चाचा जो आगे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई है बहुत। तो अब हम रोड में पहुंच चुके हैं सारे लोग, और ये कलश इसमें गंगा जल है और ये चाचा हैं, ये भी गाड़ी चलाएंगे। सभी लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे गंगा जल के खड़े ऊपर छत पे लगा रहे हैं, और ये भाई लोग हैं साथ में, और हमें रोड में ऐसी रोड हो रही है। और अभी हम सनगाड़ से आगे लग चुके हैं रास्ता, और ये भाई लोग हैं। कुछ कहना चाहते हो क्या भाई? ना ना भाई, कौन भाई? बढ़िया हो रहे हैं, घर जा रहे हैं गंगा जल लेते हुए। यात्रा कैसी हो रही है आपकी? मंगलमय हो रही है, सब सही हो रहा है, सही है। आप भी नवरात्रि का उपवास होगा आपका भी? उपवास है भाई, मंदिर में ही होंगे, हमारा भी। क्या गाड़ी का गाड़ी है? तो जैसे कि पवन भाई से मैंने जाना कि उनका भी 9 दिन का उपवास रहेगा। माता के बहुत बड़े भक्त हैं पवन राठौर, बहुत बड़े भक्त हैं। चलिए आगे को मिलते हैं, अब आपको वीडियो पे बने रहें। तो हम पहुंच चुके हैं चौकीओड़ा और ये सिमगढ़ी के कुछ आगे ही पड़ रहे हैं। ये अब आगे स्मूथ रोड आ गया, अब सही हो रहा है बिल्कुल। बोलिए
बंजैल नौलिंग देवता की जय। बोलिए बंजैल नौलिंग देवता की जय। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं, अब सिमड़ी पहुंच चुके हैं। ये बंजैल नौलिंग देवता का गेट है और हम आगे को चलते हैं। अब हम जान भी गया बंजैल मंदिर। अब हम देख सका हमारे दगड़ी ये चाचा हैं हमारे, और ये भी पीछे हमारे चाचा हैं। और हम चलते हैं अब मंदिर में, सीधा आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो दगड़ियों, अब हम मंदिर में पहुंच गए हैं और मंदिर का परिक्रमा करने हैं। तो दगड़ियों, यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।